जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार में। चलिए आज फिर हम देखेंगे एक नया प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम आगामी एग्जाम जो भी हैं उसमें आपके यहाँ से प्रश्न हूबहू फंसेंगे ही। आप क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ये प्रैक्टिस सेट आप क्या करेंगे, अपने जो भी बच्चे अगर भरे हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी के लिए देखेंगे, आप वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं या फिर पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीपी आगे आने वाले हैं उसके लिए भी तैयारी करते रहेंगे, और सुपर टेट भी अगर देखा जाए तो आएगी तो उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखेंगे। आज का हमारा चौथा क्लास है, प्रश्न है पहला, देखेंगे इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के तीन स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। ठीक है, बताना है आपको कि कौन सा भारत में पंचायती राज के तीन स्तरीय जो प्रणाली है उसमें एक स्तर नहीं है पूछा। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायती समिति है और नगर परिषद है। इसमें देखना है क्या है, तो आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, आपकी जो पंचायती राज समिति राज के लिए गठित हुई थी समिति बलवंत राय मेहता द्वारा, इन्होंने तीन स्तरी की बात की थी। ठीक है, तीन स्तरी कौन कौन सी थी आप देखेंगे, पहले ग्राम पंचायत रहेगा आपका, उसके बाद देखेंगे पंचायत समिति, और तीसरी आपकी थी जिला परिषद। ये तीन स्तर बताए थे, तो देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, तो नगर परिषद, ये नगर निकाय में आपका आएगा। ठीक है, नगर परिषद नगर पालिका जो आपकी होती है उसमें आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही नहीं है ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अशोक के शिलालेख, प्रश्न है अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है। ठीक है, लिपि कैसी थी पूछा है। आप देखेंगे ऑप्शन है देवनागरी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है, अरमाइक है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है अशोक के जो शिलालेख है उसकी लिपि कैसी थी, ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख है। ठीक है, उसमें उसकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि है आपकी। अगला प्रश्न है महरौली लौह स्तंभ। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर, नई दिल्ली। ठीक है, तो महरौली लौह स्तंभ है ये आपका नई दिल्ली देखेंगे कहाँ, कुतुब मीनार के पास ही। ठीक है, जहाँ कुतुब मीनार आपका है उसी के जस्ट पास ही इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन देखेंगे आपका डी, इसको बनवाया कौन था देखेंगे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो आपके गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था, लेकिन इसको मुगल शासक थे वो इसको दिल्ली ला के स्थापित कर दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी नई दिल्ली सही है, दिल्ली में स्थापित है। क्लोज बटन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, क्लोज बटन क्या है। ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पूरा खुला होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है वो, विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, एक्स जैसा छोटा बटन रहता है एक। ठीक है, उपयुक्त सभी, तो देखेंगे क्लोज बटन आप देखेंगे अपने सिस्टम में, अगर कंप्यूटर आप चलाते होंगे देखेंगे आपके मतलब साइड में देखेंगे, बाईं साइड उस साइड में देखेंगे तो एकदम ऊपर कॉर्नर पे एक एक्स टाइप का बटन रहता है। ठीक है, आप कोई भी सिस्टम खोलते हैं तो उसको अगर बंद करना होता है तो उसी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन जो मैच करता है सभी, आप देखें उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। ठीक है, आपके वीडियो का ये प्रश्न है, वीडियो 2018 में पूछा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट होगा, नेटवर्क होगा, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि वेब ब्राउजर, इसके लिए क्या सही है आपका ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। ठीक है, यही सही है। एक सर्च मतलब क्या होता है आपके लिए, एक सॉफ्टवेयर होता है ये, इसमें क्या होता है कोई भी मतलब हम क्या नेट सर्च करते हैं तो वो प्रोग्राम खुल के आता है हमारे पास पेजों का, वो क्या होता है वेब ब्राउजर जरिए होता है। आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन डी सही है, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है जब पावर ऑफ मतलब बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं पावर बंद हो जाता है तो उसमें क्या होता है जो कंटेंट होते हैं हमारे जो प्रमुख रूप से कैश जो मेमोरी में रहते हैं वो क्या होते हैं डिलीट हो जाते हैं टाइप से। इसमें से आपका देखेंगे वे हैं किस टाइप की मेमोरी में पूछा है, टाइप में डायनेमिक होगा, स्टिक होगा, वोलेटाइल होगा या फिर गैर वोलेटाइल होगा। ठीक है, गैर वोलेटाइल, वोलेटाइल, स्टिक, डायनेमिक, ऑप्शन जो आपका सही होगा इसमें वोलेटाइल होगा। ठीक है, वोलेटाइल जिसे अस्थायी मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं आपका, इसमें जिसे देखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है आपका, इसमें क्या होता है जब जिसे पावर, जब तक पावर रहेगा सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी आपकी रहेगी
तब तक वो रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ होगा वो आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ओलाटाइल में, उसमें क्या होता है आपका ओलाटाइल होता है, इसको हम अस्थाई कह सकते हैं, अस्थाई, अस्थाई भी कहते हैं, ठीक है। गैर ओलाटाइल में अगर एग्जाम्पल बताएं तो आप रोम को लेंगे, ठीक है, रोम को, और इसमें आप रैम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था, ठीक है। भारत के संविधान निर्माता जब संविधान बन रहा था उसको, मतलब हम देखेंगे अपने संविधान को बनाने में कई देशों के सहयोग से, मतलब हम उसका वो मतलब उसके चीजों को लिए हैं, विशेषताओं को देखेंगे। जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये हम कहाँ से ग्रहण किए हैं संविधान में अपने, ऑप्शन है ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और अमेरिका है, ठीक है। तो हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो ये आपके अमेरिका से लिया गया, ठीक है, अमेरिका से, ऑप्शन डी आपका सही होगा, अमेरिका से। देखेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका, न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 में, वो आपका कहां से लिया गया, अमेरिका से ही लिया गया, ठीक है। और बात करें हम ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हम देखेंगे संसदीय प्रणाली जो आप हमारी है भारत की, और एक चीज और लिया है एकल नागरिकता, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, आपके ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है। अगर हम देखें फ्रांस की बात करें, तो हम देखें प्रस्तावना में कुछ शब्द जो आपके हैं, जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, ये शब्द आपके प्रस्तावना में जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जिसमें सही है न्यायिक पुनरावलोकन के लिए वो आपका क्या सही है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान, ठीक है। आप देखेंगे लिखा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण, ठीक है, बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसमें है ये आपका, प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक सिद्धांत में है, तो किस मूल मूल कर्तव्य में है, बताना है किसमें है। तो आप देखेंगे जो लिखा है आपका, ये टाइप से आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आप देखेंगे आपके अनुच्छेद 51 का, ठीक है, 51 का भाग की बात करेंगे तो भाग आपका क्या है, 4 का, ठीक है, 4 का में आपके टोटल कितने, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में देखेंगे बात करेंगे तो इसमें प्रमुख रूप से 11 में जैसे देखेंगे हम हमारे संविधान के मतलब की पालन करना है, फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारे जितने भी जैसे पर्यावरण संबंधित है उसका पालन करना है, हमारे जो स्मारक बने उसका उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और इसमें है, जैसे ये जो लिखा है संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये भी आपके उसी मौलिक कर्तव्य में आएगा। और देखें 11वां जो आपका है मौलिक कर्तव्य, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवास शिक्षा की बात करता है उनके पेरेंट्स द्वारा, वो भी मौलिक कर्तव्य में ही है, ठीक है। प्रस्तावना में देखेंगे तो प्रस्तावना में प्रमुख रूप से देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, राज्य की अखंडता, ठीक है, अखंडता, ये 3 शब्द आप देखेंगे उसमें आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। मूल अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार की, तो इसमें आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं अगर बता दें तो हम देखेंगे, पहले है आपका समानता का अधिकार है, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर चौथा आपका देखेंगे धर्म के प्रति आपका जो अधिकार है, फिर 7वां आप 6वां 5वां देखेंगे आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और लास्ट आपका 6वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। 6 आपके क्या है, मौलिक अधिकार है, जो 6 आपके मौलिक अधिकार है, भाग आपके देखेंगे किसमें आएगा तो भाग 3 में आएगा, ठीक है, भाग 3 में है, भाग इसका 3 है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपके 12 से 35, अनुच्छेद इसमें 12 से 35 है। नीति निर्देशक सिद्धांत आप देखेंगे भाग 4 इसमें आपका देखेंगे नीति निर्देशक, 35 से आप देखेंगे 51 तक आपका है, 35 आप देखेंगे यहाँ पे 35 के 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 35 36 से 51 तक आपका क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, भाग 4 आपके 4 में है आपका। जो इसमें सही था आपका जो ये लिया गया है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सर्वेक्षण, ये आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है।
अगला प्रश्न देखें, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, संविधान की अगर व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? ठीक है, तो बात करें हम आपका जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है अधिकार। आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, संविधान में 124 आपका अनुच्छेद 124 है, 124 है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है, आपका इसका अगर अनुच्छेद देखेंगे अनुच्छेद 76 है। ठीक है, 76 आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। आपके वर्तमान में देखेंगे तो आर वेंकट रमणी जो आपके हैं महान्यायवादी हैं, ठीक है, भारत के। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 इसमें है, 52 अनुच्छेद है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें हम तो आपके संविधान में 93 अनुच्छेद जो है आपके देखेंगे, लोकसभा में जो चुने जाते हैं आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, उसके लिए अनुच्छेद आपका 93 है। ठीक है, आपका जो अंतिम अधिकार होता है संविधान के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगला प्रश्न है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक परियोजना है जल विद्युत, इसको देखेंगे किस राज्य में है इदुक्की, केरल है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये परियोजना जो आपकी है, पहला ही सही है केरल। ठीक है, केरल राज्य में ये परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे गोविंद सागर परियोजना है। ठीक है, गोविंद सागर। जम्मू कश्मीर बात करें देखेंगे दुलहस्ती, बगलियार। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर में परियोजना है। ठीक है, शिव समुद्रम, ये परियोजना आपका है शिव समुद्रम। ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है, ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें माता टीला परियोजना। ठीक है, माता टीला बांध है उसी परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी प्रमुख रूप से दिखेंगे परियोजना ये सब हैं आपके इंपॉर्टेंट है। इदुक्की आपका कहाँ है? केरल का है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, ठीक है, प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, ठीक है, जनजाति बताना है कौन सी है भारत में। ऑप्शन है भील, गौंड, संथाल, थारू। देखेंगे इसमें जो आपकी जनजाति है सर्वाधिक आपके भारत में पाई जाती है वो आपके भील जनजाति। ठीक है, भील मुख्य रूप से देखेंगे, भील जनजाति सर्वाधिक है और ये आपके गुजरात में भी सर्वाधिक, गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है भील ही पाई जाती है। ठीक है, गौंड की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी आपकी जनजाति गौंड पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, संथाल आप देखेंगे झारखंड में संथाल जनजाति है। थारू भी आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। थारू आपकी दीपावली उत्सव मनाते हैं उसको शोक के रूप में लोग मनाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति सबसे आप देखें सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है आपकी? भील जनजाति। ऑप्शन ये आपका सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। किस मराठा पेशवा को मैक्यावेली कहा गया? ठीक है, मैक्यावेली एक उपनाम दिया गया था किसे? नाना फडणवीस को, या फिर बाजीराव प्रथम को, या फिर बालाजी बाजीराव को, या फिर बालाजी विश्वास को? ठीक है, इसमें देखेंगे जो आपका मैक्यावेली उपनाम दिया गया था आपका ऑप्शन पहला इसे नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस को। ऑप्शन ए आपका सही है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है, कौन था? जॉन टावर था, हैरी स्मिथ था, चार्ल्स मेटकाफ, या फिर जेम्स प्रिंसेप? ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, आप जानते होंगे कौन था, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत के राजचिन्ह, ठीक है, राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, एक शब्द है आपका राजचिन्ह में प्रयुक्त है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मुंडको उपनिषद है। ठीक है, मुंडको उपनिषद है, कठो उपनिषद है, ठीक है, ईषद उपनिषद है और विहदारण्यक उपनिषद है, चार उपनिषद है आपके पास। देखेंगे सत्यमेव जयते जो आपका लिया गया है किससे लिया गया? पहला ही सही है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, आपका सत्यमेव जयते जो आपका एक वाक्य है प्रयुक्त हुआ है राजचिन्ह में वो आपका मुंडको उपनिषद से। कठो उपनिषद की बात करें तो हम चर्चा करेंगे या आपके देखेंगे इसमें निचिकेता
वह यमराज संबंध है, ठीक है। बृहदारण्यक में देखेंगे, इसमें आपका डी जो है बृहदारण्यक में, इसमें आपका याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद है। गार्गी का संवाद है, ठीक है। अस्तोमा सद्गमय जो एक शब्द है वो आपके इसी उपनिषद में है, अस्तोमा सद्गमय, ठीक है। आपका ऑप्शन जो सही था सत्यमेव जयते वाला मुंडकोप स्मृत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। डेट से संबंधित प्रश्न है, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अगस्त, 9 सितंबर या 9 नवंबर। इसमें जो आपका सही है 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा, ठीक है। ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ठीक है, भाई छोड़ो आंदोलन है, दांडी मार्च, नमक आंदोलन आपका सत्याग्रह हुई, खिलाफत आंदोलन देखेंगे। इसमें देखेंगे जो आपका नारा दिया गया था करो मरो, आपका भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन जो था आपका, इसी में ग्वालियर टैंक मतलब बंबई में वहीं पे आपका सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, ठीक है। वहीं पे इसको मतलब कि आप देखेंगे आपको करो या मरो नारा गांधी जी ने दिया था, मरो नारा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वराज पूर्व स्वराज की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्व स्वराज की भारत छोड़ो आंदोलन मतलब इससे पहले देखेंगे करो सॉरी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दांडी मार्च की बात करें हम तो 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था आपका, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। आप देखेंगे साबरमती आश्रम से लगभग आप देखेंगे इसमें 24 दिन की यात्रा किए थे महात्मा गांधी ने, नमक सत्याग्रह करके, नमक तोड़ो कानून आपका किए थे ये, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 में खिलाफत आंदोलन बात करें तो आपका खिलाफत आंदोलन देखेंगे 1919 में देखेंगे ये खिलाफत आंदोलन आपके जो तुर्की में खलीफा फत था उसके समाप्त करने पर ब्रिटिश द्वारा आपके भारत में भी इसका विरोध किया जा रहा था, खिलाफत आंदोलन इसके भी मतलब कि नेतृत्वकर्ता हम देखेंगे तो आपके शौकत अली थे नेता में और महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो सही है आपका भारत छोड़ो आंदोलन सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, ठीक है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। अगर बात करें पृथ्वी इसके बीच में जो होता है ये डायमीटर जो आपका व्यास कहलाता है, ठीक है, तो इसका अर्धव्यास पूछा है तो पूरा ये जो होता है आपका पूरी इसकी लंबाई जो होगी व्यास की ये आपका है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। बस इसका आधा जो होगा उसका अर्धव्यास, अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या हो सकता है, 5,999 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर, 6,990 किलोमीटर, 9,066 किलोमीटर। इसमें जो सही इसका आधा कर पाएंगे तो हम देखेंगे आपका बी ऑप्शन सही होगा, 6,371 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है इसमें, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, घनत्व क्या, जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर अगर हम भारत की बताएं तो 382 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी 382, ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे ऑप्शन में 661 है, 573 है, 828 है, 785। इसमें आपका ऑप्शन जो सी है वही सही है, 828 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा देखी जाती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा 828 इसमें है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड इरविन है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड मेयो है। इसमें आपको जो सही होगा पहला ही लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये देखेंगे अगर हम तो अंतिम मतलब कि जो ब्रिटिश काल मतलब ब्रिटिश शासन में अंतिम जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बाद तब स्वतंत्र भारत के जो आपके वायसराय बने थे गवर्नर जनरल उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन इनसे पहले थे। एक चर्चा और कर लेंगे अगर हम पूछेगा एग्जाम में बंगाल का गवर्नर, सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर कौन है तो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद चेंज करके हुआ था बंगाल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल तो ये आपके थे पहले वॉरेन हेस्टिंग,
हेस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो बंगाल को छोड़ के भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे, सब चेंज हो गया था, फिर आगे बदल चेंज हुआ था, भारत के गवर्नर जनरल प्रथम की बात हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, आप देखेंगे लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग हो गए आपके बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत का वायसराय, प्रथम भारत का वायसराय कौन था, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, कैनिंग, ठीक है। अब इनके पास देखेंगे जो भारत का जो आपके देखेंगे भारत का अंतिम गवर्नर वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पूछेगा वायसराय तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है आपके। और ये आपके देखेंगे प्रथम प्रथम जो व्यक्ति होते हैं वही प्रथम इसमें है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, ठीक है। परमानेंट पूछा है रैम रोम सीडी रोम सीपीयू, तो हम अभी बात किए थे जो परमानेंट मेमोरी होती है अस्थायी रूप से वो रोम होगी, ठीक है। अस्थायी रूप से रैम होती है तो आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, आपका रोम क्या है परमानेंट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर में अगर हम कोई शॉर्टकट की होती है उसको दबाएंगे तो संपूर्ण मतलब सभी सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, इसमें ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए अल्ट प्लस या फाइव या शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। तो आप देखेंगे कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो आल सेलेक्ट हो जाता है सभी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध, ठीक है, 368 का संबंध पूछा है किससे है, वित्त आयोग के गठन से है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है, आपातकाल के उपबंध से है, या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से है, ठीक है। तो आप देखेंगे निर्वाचन आयोग के गठन से, आप देखेंगे अनुच्छेद 324 है, 324 आर्टिकल आपका क्या है निर्वाचन आयोग के गठन करने की बात करें। वित्त आयोग की बात करेंगे 280 है, 280 आपका वित्त आयोग का है। आपातकालीन उपबंध में आप देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, 352 हो जाएगा, 356 है और 360, ठीक है। एक आपका देखेंगे राष्ट्रपति आपके मतलब युद्ध आक्रमण जब होता है बाहर उसके लिए 352 लगता है, 356 देखेंगे राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। और 360 आपका क्या होगा वित्तीय आपात के समय, ठीक है। बात करेंगे 368 आपका जो है ये आपका संविधान संशोधन की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है, संविधान संशोधन 368, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित देखना है कौन नहीं है पूछा है। प्रश्न है बाबरनामा, बाबरनामा किताब है, कौन लिखा है बाबर, ये भी सही लग रहा है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, शाहजहां नामा कौन लिखा है मोहम्मद ताहिर, ये भी सही लग रहा है। हुमायूं नामा हुमायूं, ये आपका देखिए हुमायूं नामा हुमायूं नहीं लिखे, इसको कौन लिखा है, इन्हीं की बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। तो तुजुके जहांगीरी जहांगीर लिखा है, सही आपका जो नहीं मैच कर रहा था यही आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पे मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य की बात है संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। आप देखेंगे इसमें दिया है ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति, ठक्कर आयोग समिति, ठीक है। इसमें देखेंगे जो सही है आपका ऑप्शन आपके इसमें बी सही है, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। आप देखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति करने पर ही क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन, ठीक है आपका संशोधन था और इन्हीं की सिफारिश पे स्वर सिंह समिति मतलब स्वर सिंह के सिफारिश पे ही ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। अनुच्छेद किसमें तो अब बात करेंगे तो 51 का और भाग 4 का, ठीक है, 4 का ये भाग है आपका और ये अनुच्छेद आपका ऑप्शन जो सही है बी, स्वर सिंह समिति के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया, ठीक है, भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित आपके संग्रहालय से, या फिर पटना स्थित संग्रहालय से, या फिर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ठीक है। आप देखेंगे जो आपका राष्ट्र चिन्ह लिया गया है आप देखेंगे वो आपका लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था।
आपका अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है पूछा स्थल, जमशेदपुर झारखंड, स्टील फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, झरिया झारखंड, यही आपका मैच नहीं कर रहा, झरिया झारखंड नहीं होगा ये आपका, झरिया आपका स्टील नहीं है यहाँ पे, देखेंगे झरिया में आप कोयले की खान है, ठीक है, कोयले की ज्यादा खान है यहाँ पे, कोयला उत्पादन, कोयला खनन, ठीक है, खनन कार्य, ठीक है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, यही आपका स्टील निर्माण के लिए फेमस है, दुर्गापुर भी आपका स्टील निर्माण के लिए फेमस है, आपका जो मैच नहीं कर रहा था यही आपका बी मतलब गलत है, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो वर्ष 1986 में, कि वर्ष 1989 में, कि वर्ष 1982 में, कि वर्ष 1991 में? देखेंगे हम बात करें हिंदी को अपने राज्य की भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यकारी भाषा में कब घोषित किया गया, तो 1968 में, हिंदी भाषा को। भाषा के रूप में, ठीक है, और उर्दू की बात करेंगे, द्वितीय भाषा जो आपकी उर्दू है उसको 1989 में, वर्ष 1989 में घोषित किया गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर टॉमस मुनरो, ठीक है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किस संबंधित है, बताना है किससे भू राजस्व? अब देखेंगे ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था चली थी, उसमें हम देखेंगे लगभग तीन आपके भू राजस्व व्यवस्था होती थी, ठीक है, कौन कौन सी थी देख लेंगे इसको। यहाँ पे आपका पहला था अस्थाई बंदोबस्त, और दूसरा था रैयतवाड़ी, और तीसरा आपका महालवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीन आपके भू राजस्व व्यवस्था थे, और इसके जो कर्ता मतलब इसको लाने वाले कौन थे अस्थाई बंदोबस्त के, अब देखेंगे लॉर्ड कार्नवालिस, कार्नवालिस जो आपके सर टॉमस मुनरो है, इन्होंने रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो, और महालवाड़ी को हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी इन्होंने लाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीन जो आपके भू राजस्व टाइप से वसूले जाते थे, अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित थे, टॉमस मुनरो आपके रैयतवाड़ी से थे, महालवाड़ी से आपके हाल्ट मैकेंजी थे। अगर स्थान की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बंगाल, उड़ीसा, आपके बंगाल उड़ीसा तक ये आपके स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे बंबई, बंबई मद्रास, मद्रास असम, ये आपके यहाँ पे रैयतवाड़ी की व्यवस्था थी, ठीक है, और महारवाड़ी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब तक, ये आपकी यहाँ तक क्षेत्र था। उसके बाद अगर बात करें इनके वसूली की बात करें तो कितना था, लगभग 19%, 19% आपका यहाँ पे था, 19%, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 30% था आपका महानवाड़ी में, और बचा 51, आप 50% यहाँ पे, ठीक है, 51%, 51% आपका रैयतवाड़ी संबंधित था, ठीक है, इतना मतलब कर यहाँ से मिलता था इन लोग को, तो आपका ऑप्शन जो इसमें देखेंगे मुनरो, टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था आपके रैयतवाड़ी, ऑप्शन सी आपका सही है, रैयतवाड़ी से। आगे है संघर्ष की ओर पुस्तक, ठीक है, एक किताब है, इसके लेखक के बारे में बताना है, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद जेपी किपलानी, ठीक है, देखेंगे एक किताब और है, ए पैसेज टू, पैसेज टू इंडिया, एक किताब और है, तो इन्होंने लिखा है ये किताब संघर्ष की ओर, ए पैसेज टू इंडिया, आपके कौन है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखेंगे कब आई थी, 1909 का आधार बनी थी भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919 वाला, या भारतीय परिषद 1935 वाला, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1947 वाला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, बात करें तो 1919 आपका जो था, केंद्र में देखेंगे तो विधायिका की बात की थी, ठीक है, केंद्र में कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्य करती है उसके लिए एक विधायिका मतलब द्विसदनात्मक विधायिका की बात करी थी इसमें, ठीक है, केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका की बात करें, विधायिका 1909 का आपके देखेंगे माले मिंटो सुधार था, मुस्लिम
लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ठीक है। निर्वाचक मंडल, ये आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था इसका नाम, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार इसका नाम था। मार्टिंगो चेंसफोर्ड आपका 1919 वाला था, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सही है ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। प्रश्न आया है वही हम पीछे देख चुके हैं, जो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा ही, कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 लिखा है, 26 जनवरी 1930 लिखा है, 12 मार्च 1930 लिखा है, 6 अप्रैल 1930 लिखा है। तो आपको जो सही है 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च 1930 में इस दांडी यात्रा को शुरू किया गया था, ठीक है। आपका 24 दिन चला था लगभग। आगे प्रश्न करेंगे, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की, ठीक है, वायुमंडल की जो विभिन्न स्तर हैं अनुक्रम देख पूछा है कैसा है, ठीक है। तो देखेंगे धरातल से ऊपर मतलब जाने पे कैसे कैसे क्रम में आपके है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन ऑप्शन दिया है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। अब देखेंगे आयन मंडल मध्य मंडल सबसे बाद आ रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। संताप मंडल पहले आ रहा है, तो ये तो पहले ही गलत है। क्षोभ मंडल आ रहा है, संताप मंडल आ रहा है, मध्य मंडल आ रहा है, आयन मंडल आ रहा है, इसके बाद आएगा वायुमंडल, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही सही लग रहा है। संरचना हम देखेंगे पृथ्वी के, तो ये पृथ्वी के ऊपर देखेंगे, ये आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा एक, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, संताप मंडल आएगा, इसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल आएगा, इसके बाद आपका आयन मंडल आएगा, इसके बाद आपका वायुमंडल आएगा, एग्जोस्फियर स्पेयर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 5 मंडल आपके वायुमंडल में है, तो आपका जो सही क्रम है यही ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा? बता दें आपकी देशांतर रेखा 180 है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है आपकी, और ठीक ये 0 डिग्री विश्व आपके जो दिनांक रेखा है इसके अपोजिट है, ग्रीनविच रेखा के अपोजिट है, मतलब विपरीत। तो आपकी कहां से गुजरती है, देखेंगे बेरिंग जलसंधि से होते हुए प्रशांत महासागर, ठीक है, 8 जगह वहां पे मुड़ी हुई है। अब देखेंगे बेरिंग जलसंधि यहां से मुड़ते हुए ऐसे ऐसे 2 बार 3 बार मुड़ते हुए सीधे प्रशांत महासागर से खींची गई है आपकी, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें जो सही है प्रशांत महासागर। अगर पूछता यहाँ पे ग्रीनविच रेखा जो आपके कहाँ से गुजरती है, तो आप देखेंगे यहाँ से अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ठीक है, कुछ देशों से गुजरती है, फिर अटलांटिक महासागर से गुजरती है आपकी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री। 180 पूछा था इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो आपके प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है देखना इसने भी, जयपुर, गुलाबी नगर, ठीक है, गुलाबी नगर जयपुर कहते हैं, उज्जैन, महाकाल का नगर, कोलकाता, आनंद का नगर, जैसलमेर, झीलों का नगर, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, जैसलमेर, झीलों का नगर, जैसलमेर सूखा एक राज्य है, वहां सूखा जिला है, वहां झील नहीं है, झील आपकी जहां मिलती है वो आपका जयपुर है, जयपुर, ठीक है, जयपुर में झीलों, जयपुर को ही झीलों का नगर कहते हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति पूछा है किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन में देखेंगे आप, कई क्रांतियां आई थी जो मतलब के उत्पादन करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, तो देखेंगे पीली क्रांति, तो आप देखेंगे ऑप्शन है कृषि उत्पादन है, तिलहन है, मछली है, दलहन है। अब देखेंगे जो पीली क्रांति होती है तिलहन उत्पादन, ठीक है, तेल से संबंधित होती है, ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेंगे, हरित क्रांति, हरित क्रांति आपकी है खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दूध के लिए है दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, काली क्रांति होती है, काली क्रांति ये आपकी 2 चीज से होती है, पेट्रोलियम और कोयला, इसको दोनों को काली क्रांति कहते हैं, पेट्रोलियम और कोयला। एक आपका होता है गुलाबी क्रांति, गुलाबी ये भी 2 चीज से संबंधित है। आप देखेंगे झींगा, झींगा आपका गुलाबी कलर में उसको कर देते हैं, और प्याज होता है, प्याज, प्याज और झींगा मछली, ठीक है, झींगा। एक होती है धूसर क्रांति, धूसर ये आपके उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें पीली क्रांति आपका तिलहन से उत्पादन, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है। अलमाटी बांध आप देखेंगे
आप देखेंगे यहाँ पे गोदावरी में देखेंगे एक बांध है आपका एनीकट बांध, एनीकट बांध है ठीक है, कावेरी पे देखेंगे आप कृष्णा आपका अलमाटी बांध जो आपका है कृष्णा नदी पे है, कावेरी पे आपका मेट्टूर बांध है, मेट्टूर मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पे है। महानदी की बात करेगा तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध अलमाटी आप देख चुके हैं यहाँ पे कृष्णा नदी पे है आपका, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी अलमाटी आपका कृष्णा नदी पे है। प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, ठीक है लवण प्रभावित मृदा, ठीक है मृदाओं से प्रश्न है, मृदा से तो कौन सा सर्वाधिक आपका राज्य है जहाँ पे लवणी मृदा पाई जाती है, ऑप्शन है तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तो लवण प्रभावित मृदाएं देखेंगे तो आप गुजरात, ठीक है ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे देखेंगे ज्यादातर इस यहाँ की मृदा क्या होती है, लवणी होती है ठीक है आपकी, देखेंगे लेटराइट मृदा आप ज्यादातर देखेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र एक दंडकारण्य पठार है ठीक है, ये दंडकारण्य पठार है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है पठार, आप देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ठीक है, प्रचुर रूप से यहाँ खनिज प्राप्त होता है हमको आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, भारत के मैप में आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे छोटा नागपुर पठार है और जस्ट इसके नीचे ही छत्तीसगढ़ आप उड़ीसा के देखेंगे यहाँ पे दंडकारण्य पठार आपका है ठीक है। सबसे आप देखेंगे विस्तृत रूप से दक्कन का पठार आप देखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीप पठार, दक्कन का पठार यहाँ पूरा फैला हुआ है खनिज तत्वों के लिए, देखेंगे यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टाने कई क्रम की चट्टाने पाई जाती है ठीक है। मालवा पठार आप ऊपर देखेंगे मालवा पठार है ठीक है, मालवा पठार है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेघालय का पठार है, इंपॉर्टेंट है आप देखें छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कौन सा है दंडकारण्य क्षेत्र पठार अवस्थित है। अगला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, किस भाषा से, अरबी भाषा से, हिंदी भाषा से, स्पेनिश भाषा से या फिर आंग्ल भाषा से ठीक है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसमें पहला ही सही है अरबी भाषा ठीक है, अरबी भाषा के मोसीम एक शब्द है मोसीम, इसी शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई ठीक है, आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है ठीक है कहाँ है, गांधी सागर बांध से, हरिके बैराज से, भाखड़ा बांध से, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध से ठीक है। देखेंगे जो आपके इंदिरा गांधी नहर है आपके मुख्य रूप से पंजाब से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों तक आपकी मतलब बनाई गई है ठीक है, लगभग 650 किलोमीटर ठीक है किलोमीटर लंबी है, इससे राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है वो ज्यादातर सिंचित किए जाते हैं। आप देखेंगे जो सतलज और ब्यास नदी का संगम है, सतलज और ब्यास, सतलज व्यास ठीक है, इसी का जहां संगम है हरिके बैराज क्या है वहां पे, हरिके बैराज है ठीक है, वहीं पे आपका यहाँ से इंदिरा नदी इंदिरा गांधी नहर के निकासन की गई है ठीक है, हरिके बैराज आपका वहां से इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया है, आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी सही है, हरिके बैराज ऑप्शन बी। तो आज का जो हमारा सेशन था खत्म हुआ यहीं पे, आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे चैनल का अगर सपोर्ट करेंगे, जैसे कि सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे और देखते रहेंगे क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही, आप तैयारी करते रहेंगे। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।